आज के सम का एवरेज मीन्स औसत चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। औसत चैप्टर में भी क्या टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, रिप्लेसमेंट की टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जब किसी के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आए, जब किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आए, तो ये वाला टाइप आपको इसमें कवर कराऊंगा। पूरा बेसिक से आपको पूरा हाई लेवल तक आपको कराऊंगा, कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। इस एक वीडियो में आपका ये जो रिप्लेसमेंट का टॉपिक होता है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है ना। रिप्लेसमेंट की टॉपिक जो आपको सिर्फ एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर करा दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो रिप्लेसमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए देखा यह क्या कॉन्सेप्ट है। अगर मैं मान लो ये टीम है, अगर ये कोई टीम है, इस टीम में कितने सदस्य हैं, हम लोग मान लें कि 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। अगर ये कोई टीम है और इस टीम में कुल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। अब ऐसा में मान लो कि इनका जो औसत है वो कितना है, ये 50 है, क्लियर है। इनका औसत जो वो कितना, 50 केजी है। अब ये क्वेश्चन में आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि इस टीम में से एक व्यक्ति गया, इसमें से एक व्यक्ति गया और इसका जो भार है वो कितना, 50 केजी लेके गया। इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ रहा, एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति इसके स्थान पे नया व्यक्ति आ रहा, तो इसके आने से जो नया व्यक्ति आ रहा, इसके आने से एवरेज में क्या हो गया, एवरेज में क्या हो गया बे, एवरेज में एक की वृद्धि हो गई, एवरेज में एक की वृद्धि हो गई। तो आप कह सकते हैं अगर ये एवरेज पहले 50 केजी था, तो अगर एक की वृद्धि हो गई औसत में, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसमें सिर्फ यही बताया कि अगर ये कोई टीम है और इस टीम में कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, इनका एवरेज कितना है, 50 केजी है, मीन्स प्रत्येक 50-50 केजी के हैं। इसमें से एक सदस्य गया और इसके स्थान पे एक दूसरा सदस्य आ रहा, एक सदस्य गया, एक सदस्य आया, इसके स्थान पे दूसरा जब सदस्य आ रहा है, तो औसत में क्या हो गई, 51 हो गया, या औसत में एक की वृद्धि हो गई, ऐसी लाइन आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा, क्लियर है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये वाला जो व्यक्ति, नया व्यक्ति आ रहा है, ये जो नया व्यक्ति है इसका भार कितना है, आपसे ये पूछा जाएगा, जो नया व्यक्ति आ रहा है इसका भार कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको दो तरीके सॉल्व कराऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान से देखिए, ये जितना लेके जा रहा है उतना तो ये लेके आ ही रहा है, जितना ये लेके जा रहा है उतना तो ये लेके आ ही रहा है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, प्लस कुछ क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, अपने भी ले ले रहा है और जो 4 सदस्य बाकी है उनको भी दे दे रहा है। तो इस तरह से टोटल सदस्यों की संख्या में तो कोई फर्क हुआ नहीं, 5 ही सदस्य ने, तो जो एक एक की वृद्धि हो रही थी, 5 सदस्यों में वृद्धि होगी, तो कितना ये एक्स्ट्रा लाया होगा जो नहीं आ रहा, तो कहेंगे कि 5 एक्स्ट्रा लाया होगा, क्लियर है ना, कितना एक्स्ट्रा लाया, 5। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 55 केजी। आप बता सकते हैं कि जो नया सदस्य आ रहा है उसका भार कितना है, 55 केजी है। ये इसका पहला तरीका है। इसको देखिए आप सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सेकंड तरीका देखा जाए, सेकंड तरीके से कैसे आप सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है कि जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका भार पूछा है ना, तो आप यहां से लिखिए न्यू लिखिए और ये ओल्ड लिखिए, प्लस इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। आप चाहे तो इसको फार्मूला भी बोल सकते हैं, न्यू हो जाएगा, यहाँ से जो न्यू सदस्य आ रहा वो है और ये ओल्ड है, यानी ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, जो यहाँ से जा रहा है यानी पुराना वाला, यहाँ से ये इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जब नया व्यक्ति आएगा तो इसके कारण औसत में कमी या वृद्धि होगी, तो मैंने यही लिखा है, इंक्रीज या डिक्रीज लिखा है, क्लियर है इतना। अब इसमें रख के हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस नए सदस्य का मान पूछा, तो आप यहाँ से न्यू को लिए, ओल्ड का मान कितना दिया गया, 50 दिया गया, 50 दिया गया। अब देखिए कितने की वृद्धि होगी, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि जो नया सदस्य आ रहा है इसके आने से औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, ये क्वेश्चन में कहेगा आपसे, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में कि जो नया सदस्य आ रहा उसके कारण औसत में क्या हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। जो 1 की वृद्धि हो रही तो टोटल सदस्य में होगी कि नहीं होगी, तो 1 की वृद्धि कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 5 से इसमें गुणा करें तो 5ों में इतने की वृद्धि होगी, तो 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 55 केजी हो जाएगा,
देखिए मैंने आपको दो तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा, क्लियर है? जो भी आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, इससे फॉलो करेंगे तो हमारा सिर्फ इतने ही लाइन में आंसर आ जाएगा, क्लियर है? सिर्फ दो ही लाइन में हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा? अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, 8 लोगों के समूह में जब 80 केजी भार वाला एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है। क्या कहा गया प्रश्न में? 8 लोगों के समूह में 80 केजी भार वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है, यानी ये क्या दिया आपको? नए व्यक्ति का भार दिया है, न्यू व्यक्ति का भार दिया है, तो समूह का औसत इतना बढ़ जाता है। तो जाने वाले व्यक्ति का भार आपसे पूछा, आपसे पूछा कि ओल्ड व्यक्ति का भार आपसे पूछा है। तो जो पीछे मैंने आपको फार्मूला बताया आप उसमें रख के क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आप यहां से लिखेंगे, न्यू लिखेंगे ओल्ड प्लस मैंने क्या लिखवाया था आपको, इंक्रीज या डिक्रीज। आप यहां से प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। अगर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, घटाएंगे, क्लियर है? अब यहां से देखिए, यहां से ये इतने किलोग्राम भार वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर ये आ रहा है, क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो ये क्या है, अगर ये जुड़ रहा है किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर, ये जुड़ रहा है ना, किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जुड़ता है, तो ये क्या है, न्यू है। यानी न्यू का मान कितना दिया गया, ये 80 दिया गया, क्लियर है? ओल्ड का मुझे बताना था, हम इसको इसी तरह से रहने दे रहे। अब ये इतने की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ जा रहा, तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये जो वृद्धि है टोटल सदस्यों में होगी, यानी 8 लोगों में होगी, तो अगर वृद्धि हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला साइन लेंगे, तो यहां से 2.5 × 8 हो जाएगा। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो 8 × 16 और ये क्या करना, 8 × 5 = 40, यानी 4 मिलेगा, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 20, ये कितना देगा, 20 देगा, 20 आके इधर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो आप बता सकते हैं कि जो ओल्ड व्यक्ति है इसका भार कितना है, 60 kg है। कितना केजी है ये, 60 kg है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया, है ना, बेहद ही आसान है। सिर्फ आपका दो लाइन में आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, ये तो फार्मूला है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्लियर है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अब हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखा जाए, 8 जहाज कर्मी का औसत वजन इतने, यानी 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 kg है कि स्थान पर एक नया व्यक्ति क्या किया जाए, रिप्लेस किया जाए, मीन्स प्रतिस्थापित किया जाए, तो नए व्यक्ति का वजन आपसे पूछा। जो पीछे मैंने फार्मूला क्या बताया था आपको, यहां से न्यू लिखेंगे और न्यू का मान पूछा है, ओल्ड वाला दिया है कि ये जा रहा है और इसके स्थान पर एक नया, ये क्या दिया, ये ओल्ड का मान दिया है, तो आप यहाँ पे 60 रख लेंगे। अब ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कमी, तो आप देखेंगे ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, 1.5 बोल सकते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, 1.5 की वृद्धि हो रही, कितने लोगों में वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे कि टोटल संख्या कितनी, 8 लोगों में ये वृद्धि होगी। अब यहां से ये तो कितना हो गया, 60 है, जब इसका गुणा करेंगे तो 8 × 1 = 8 और ये 8 × 5 = 40, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 देगा, ये कितना देगा आपको, 12 आपको देगा। अब 12 करना है कि इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 kg। जो नया वाला व्यक्ति आ रहा है उसका भार कितना है, 72 kg है। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है ना, बेहद ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त, यानी रिटायर हो गया, ठीक है, एक शिक्षक क्या हो गया, रिटायर हो जाता है, उसके स्थान पर नया 25 वर्षीय सेवा ग्रहण करता है, यानी उसके स्थान पे एक नया टीचर आता है, उसका जो उसकी एज कितना है, 25 वर्ष दिया गया है, परिणाम स्वरूप शिक्षक की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तो सेवानिवृत्ति शिक्षक की आयु कितनी है आपसे ये पूछे, यानी जो रिटायर हो रहा है इसका एज कितना है हमसे ये जानना चाह रहा है। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपको पता है क्या मैंने लिखवाया था, यहां से न्यू लिखेंगे ओल्ड लिखेंगे प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज आप लिखेंगे, यही तो मैंने बताया था आपको।
अब देखिए ये नया आ रहा है तो इसका इसका दिया ये कितने वर्ष का है, 25 वर्ष का, यानी नए का मान दिया तो आप यहाँ से 25 रख लेंगे। ओल्ड का मान पूछा है जो रिटायर हो रहा है, इसका मान पूछा यानी इसका बताना है, तो ये रहेगा इसी तरह। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है कि वृद्धि हो, तो आप कहेंगे ये कमी हो रही थी, अगर ये कमी हो तो हम क्या साइन लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ये जो तीन की कमी हो रही है कितने शिक्षकों में, प्रत्येक में तो कमी होगी यानी दसों में कमी होगी, ये कितना हो जाएगा 30, 30 आके इधर ऐड हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं जो ओल्ड यानी जो रिटायर हुआ है उसका भार कितना होगा, इस सॉरी उसकी एज कितना होगी, इसको इसमें ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 55 वर्ष हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 केजी है चला जाता है, एवं नया विद्यार्थी आता है जिसकी जिससे कक्षा का औसत 1 यानी कि कह सकते हैं 1/2 यानी कह सकते 0.5 भी तो बोल सकते हैं बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन हमसे पूछा है, यानी एक विद्यार्थी जा रहा है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ रहा है यानी नया विद्यार्थी आ रहा है, तो नए विद्यार्थी का वजन कितना है हमसे यही जानना चाह रहा है। तो आप यहां से लिखेंगे न्यू लिखेंगे और ओल्ड, ओल्ड का मान कितना दिया गया, कितना जा रहा है 50 केजी वाला चला जाता है, तो 50 आप लिखेंगे। अब ये देखिए वृद्धि हो रही है कमी, तो आप कहेंगे ये बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसका मान कितना होता है या इसको इसी तरह रहने दीजिए, ये कितने में वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे 50 लोगों में वृद्धि होगी, कितने लोगों में वृद्धि होगी, 50 लोगों में वृद्धि होगी। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 25 बार में कटेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 75 केजी। जो नया स्टूडेंट आ रहा है उसका भार कितना है, 75 केजी, डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है, 3 वर्ष बढ़ जाता है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष को अन्य दो व्यक्तियों से रिप्लेस किया जाता है यानी प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्तियों के क्या पूछा हमसे, औसत पूछा है, औसत आयु कितनी होगी, आयु ना पूछकर हमसे क्या पूछा, एवरेज पूछा है दो नए जो है, तो सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व करेंगे। इस बार देखिए दो लोग जा रहे हैं और दो लोग आ रहे हैं, पीछे क्या था एक जा रहा एक आ रहा है, तो इसमें दो जा रहे हैं और दो आ रहे हैं, तो बाकी सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। तो आप यहां से लिखेंगे न्यू लिखेंगे, अब यहां से इन दोनों का जोड़ेंगे तो देखिए कितने वर्ष का ये लोग जा रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो जा रहे हैं इनका भार कितना है, इन दोनों को आपको क्या करना ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 64 आ जाएगा। इनके जाने से देखिए क्या हो रहा है, औसत में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप कहेंगे कि 3 का क्या हो गया, वृद्धि हो रही बढ़ रही है, तो प्लस का साइन आप क्या करेंगे लिखेंगे। कितने लोग हैं यानी संख्या तो अब भी 8 ही रहेगी, दो लोग जा रहे हैं दो लोग आ रहे हैं, तो इनकी संख्या में तो कोई फर्क नहीं है, तो आप यहां से 3 गुणे कितना करेंगे 8 करेंगे, इतना क्लियर है। जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना देगा आपको 24 देगा, 24 इनका एवरेज आपको, जो नए हैं सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 88 ईयर्स। जो नए स्टूडेंट हैं, जो दो नए स्टूडेंट हैं, इनका अगर योग किया जाए तो ये लोग कितने वर्ष के हैं, 88 वर्ष के। लेकिन मुझे ये नहीं बताना है उनका, जो ये नहीं बताना उनका क्या बताना, एवरेज में बताना कि एवरेज औसत आयु यानी औसत आयु कितनी होगी ये बताना, ठीक है। औसत आयु पूछा है तो औसत के लिए क्या करेंगे, दो ही लोग हैं ना, कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं, तो इसमें दो से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 44 ईयर, कितना आ जाएगा 44 वर्ष आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दो से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमसे पूछा कि औसत आयु पूछा, अगर ये औसत ना पूछकर हमसे क्या पूछता कि उन दो व्यक्तियों की आयु, उन दो व्यक्तियों की आयु पूछता तब हमारा आंसर कितना आता, ये 88 आता। लेकिन ये औसत का जिक्र कह दिया है तो औसत के लिए क्या करेंगे, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो दो से इसमें डिवाइड करेंगे औसत के लिए, अगर तीन लोग रहते तो लोग तीन से डिवाइड करते है ना, हमसे एवरेज पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पे दो से डिवाइड किया, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो आपको करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही लगेगा।
आपको करने के इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना दिया गया है, 2 माह बढ़ जाती है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 वर्ष यानी 2 माह बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, जब टीम के 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु पूछा, हमसे एवरेज आयु पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आप यहाँ से न्यू लिखेंगे, ये लोग जो जा रहे हैं इनका भार देखेंगे तो कितना हो, इनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे तो ये इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 38 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 20 प्लस 18 जोड़ के मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्ट यहाँ पे 38 लिए। अब देखिए वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है, तो आप कहेंगे ये क्या बढ़ जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन आप लिखेंगे, इतना क्लियर है। अब ये जो 2 माह वृद्धि हो रही है, टोटल कितने खिलाड़ी, 11 में दो माह की वृद्धि होगी कि नहीं, जो 2 माह की वृद्धि है ये 11 खिलाड़ियों में होगी, क्लियर है इतना। अब हमसे पूछा कि जो नए खिलाड़ी हैं इनका क्या पूछा है, हमसे औसत पूछा है। इसके लिए करना क्या आपको, अब ये तो इनका पता चल गया कि जो नए खिलाड़ी हैं इनका क्या पता चल गया, कितने वर्ष के हैं, इतने वर्ष के होंगे, अगर आप इसका गुणा करके फिर इसमें जोड़ेंगे तो इतने वर्ष के हैं, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, औसत पूछा है, औसत में आयु बताइए, तो औसत के लिए क्या करेंगे, कितने लोग हैं 2 ही लोग हैं ना, कितने लोग, 2 ही लोग हैं, तो औसत के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से कट गया, इसको भी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो आप कह सकते हैं कि यहां से 19 वर्ष और ये कितना आ जाएगा, 11 माह। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा, 19 वर्ष 11 माह, तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु कितना देगी, 30 वर्ष। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़कर जाता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल होती है, यानी एक व्यक्ति छोड़कर जा रहा है समूह में और एक महिला आ रही है, तो इनकी संख्या में तो कोई फर्क हुआ नहीं, लेकिन औसत आयु क्या हो गई, 1 वर्ष कम हो जाती है, तो महिला की उम्र हमसे पूछा है, तो आप यहाँ से लिखेंगे न्यू लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप ओल्ड लिखेंगे, कितने वर्ष का व्यक्ति जा रहा है, तो आप कहेंगे 50 वर्ष का व्यक्ति जा रहा है। औसत में इस तरह से जाने से जब महिला आ रही है तो औसत में क्या होगा, कमी हुई कि वृद्धि, तो आप कहेंगे कमी हुई, तो कमी के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन लगे, 1 की कमी हो रही है, कितने लोग हैं, इनकी संख्या में तो कोई फर्क होगा नहीं, अब भी 20 ही होंगे, अगर एक पुरुष जा रहा है एक महिला आ रही है तो इनकी संख्या में कोई फर्क नहीं, तो 20 ही लोग अब भी हैं, तो 20 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। महिला की जो एज है वो कितने है, 30 वर्ष। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, तभी 17 वर्ष का एक लड़का चला जाता है और उसकी स्थान पर दूसरा जगह यानी उसके स्थान पर उसकी जगह दूसरा लड़का आ जाता है, उसकी औसत आयु इतनी हो जाती है, यानी कि दूसरा लड़का जब आ रहा है तो औसत आयु कितनी हो जा रही है, सभी की औसत आयु इतनी हो जाती है, तो नए लड़के की आयु हमसे पूछा है, पहले एवरेज इतना था, लेकिन अगर एक लड़का इसमें से जा रहा और एक इसके स्थान पे एक दूसरा आ रहा, तो इसके आने जाने से इस तरह से एवरेज में देखेंगे तो क्या हो गई, तो आप कहेंगे क्या हो गई, यहाँ से कमी हो। इस बार देखिए कमी या वृद्धि न दे करके हमको किस इस टाइप का दिया है ना, टोटल हमको दिया है, अब तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे किसी के जाने से या आने से घट रहा था औसत या बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे टोटल हमको दे दिया, लास्ट वाला दे दिया है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से पहले 16 था, अब ये इतना हो गया, तो कितने की कमी हुई, तो आप इसको यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 125, यानी इतने की क्या हो गई, कमी हुई। ये लाइन न लिख करके इसने क्या इस बार लिख दिया, ये लाइन लिख दिया एग्जामिनर ने, क्या किया ये वाली लाइन न लिख करके ये इस लाइन को इसने लिख दिया, टोटल कमी आपको दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता है कि कमी कितने की, इतने की कमी, बाकी हमको तरीका पता है तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। नए लड़के की आयु पूछा है तो न्यू यहाँ से लिखेंगे, जो जा रहा है ये कितना, ये 17 है,
अगर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ये क्या हो रहा है, औसत में क्या हो रहा है, घट रहा है, इतने की कमी हो रही है, इतने की जो कमी होती है तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएं। इतना क्लियर है? पॉइंट कितने की कमी हो रही है तो आप यहाँ से लिखेंगे 125। कितने लोगों में कमी हो रही है तो आप कहेंगे कितनी संख्या इनकी, 40 संख्या है। कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, इनकी संख्या में तो कोई फर्क होगा नहीं। अब इसका करना कि आपको इसमें गुणा करना है, जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 5 20, 4 2 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 4 कितना हो जाएगा, ये 4 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 आपको मिले। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 आएगा। क्लियर है? अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। कितने वर्ष का जो नया लड़का आ रहा है उसका भार यानी उसकी एज कितना है, 12 वर्ष है। बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्लियर है? बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये इतने और इतने वर्ष के दो पुरुष के स्थान पर दो स्त्रियां आ रही, ठीक, स्थान पर दो स्त्रियां शामिल कर लिया जाए, इस तरह से समूह के सदस्यों की औसत आयु क्या, और एक घट जा रही है। यहाँ पे आप दो लिख लिए, दो स्त्रियां यानी दो पुरुष जा रहे हैं और इनके स्थान पर दो महिलाएं आ रही हैं, तो औसत में ये इतने की कमी हो गई। तो हमसे पूछा कि स्त्रियों की औसत आयु पूछा है, हमसे पूछा कि औसत आयु पूछा है। क्लियर है ना? ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पीछे सॉल्व करा दिया कि औसत आयु पूछा है, तो क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। तो आपको करने के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहा, ताकि मुझे भी पता चले कि जो चीज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर से इसका रिप्लाई करिएगा, ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया।